हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम एट आपकी अपनी कॉमर्स क्लासेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉमर्स क्लासेस में इंग्लिश ग्रामर क्यों? इंग्लिश ग्रामर सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इवन आफ्टर स्टडिंग ग्रामर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है। और हम लोग सोचते हैं कि काश उस वक्त हमने अच्छे से सीख ली होती, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको इंग्लिश ग्रामर के पहले फंडामेंटल रूल सिखाएंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेशन, स्पोकन इंग्लिश और फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेवल तक लेकर जाएंगे। तो हम बेसिक फंडामेंटल से शुरू करते हैं। आज हम सिखाएंगे आज फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी कि इस पर सारी की सारी ग्रामर हमारी टिकी हुई होती है, जिसे कि हमें शुरू से पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज का जो नाम दिया जाता है, किसी एनिमल को, किसी पर्सन को, किसी थिंग को, किसी प्लेस को, इवन इमोशंस को भी जो नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नाउन। फिर सेकेंड होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए जो वर्ड्स रिप्लेस किए जाते हैं, जैसे राम के नेम को रिप्लेस करने के लिए हम ही लगाएंगे, जैसे सीता है तो बार बार हम उसे रिपीट ना करें, उसके लिए हम शी लगाएंगे। तो उस रिप्लेसमेंट को बचाने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन्स। फिर आते हैं वर्ब्स। वर्ब्स तो बड़े सिंपल है, डूइंग वर्ड्स होते हैं वर्ब्स, जिसमें कि हम लोग कोई काम, आई एट द फूड, एट है, ड्रिंक है, स्लीप है और प्लेइंग है, जो भी डूइंग वर्ड्स होते हैं वो वर्ब्स में आते हैं। फोर्थ टाइप के होते हैं बच्चों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज कैसी है, जैसे राम इज अ फैट बॉय, तो फैट जो है वो एडजेक्टिव है जो कि हमें बताता है कि राम कैसा है। फिर आते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, बट ये डिफरेंट होते हैं एडजेक्टिव से, क्योंकि एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन कैसे हैं वो बताते हैं, लेकिन ये जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि वर्ब यानी कि कोई काम, हाउ, व्हेन एंड वेयर अ वर्क इज डन, कोई काम कब, कैसे और कहां हुआ, ये बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं। फिर होते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं वर्ड, वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं कंजंक्शंस। फिर आते हैं सेवंथ नंबर पर प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस जो होते हैं वो होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, जो कि सब्जेक्ट को, जनरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने का जो काम करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रपोजिशंस। फिर होते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि वो वर्ड्स जो कि अचानक से हमें किसी चीज को लेकर सरप्राइज, सडन चेंज ऑफ थॉट्स जो होता है, जैसे कि ओ, वाव, हुर्रा एटसेट्रा। जैसे जैसे हमने बहुत सुंदर कोई बिल्डिंग देखी तो हम कहेंगे वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन हम आज से, इसके बाद हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, नाउन, प्रोनाउन एक्सेट्रा, और उसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे टेंसेस में, जिससे कि आप लोग अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भी पोस्ट करूं, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे वीडियोस को आगे देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलती रहें, तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।